काफी दूर से हम लोग पैदल चल रहे हैं यार। तकरीबन हम लोग पैदल चलते हुए इस टाइम हो रहा है तकरीबन कितना, 2 घंटे हो गए, तकरीबन 2 घंटे हम लोग हो रहे हैं इस टाइम पैदल चलते हुए। 4 बजे के हम लोग निकले हुए घर से, अभी इस टाइम हो रहे 6:30, बल्कि 2.5 घंटे हो चुके हम लोग को। जल्दी यार चल चल जल्दी जल्दी उसके चक्रों में खुद भी गिर गए। क्या है इधर? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं डैम। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरा भांजा है मेरे पास, मुझे कहता है यार मामू चल यार डैम चल। तो मैंने बोला क्यों, क्या करने जाना? तो बोलता है यार मुझे बस ऐसी थोड़ा एक राउंड वगैरह मारना, थोड़ा वॉक वॉक कर। फिर घर में बैठा हुआ बोर हो रहा था तो मैंने बोला चल यार चलते यार। मेरा भांजा भाई अभी कपड़े इस्त्री करते हुए, भाई क्या करे, अम्मी तो घर में ही नहीं तो खुद को करना। सुबह से उठा ही नहीं हो, शर्ट वगैरह चेंज करे और निकले फिर टाइम की तरफ। मैंने तो शर्ट वगैरह पहन लिया है भाई, आप देख सकते हो भाई शर्ट वगैरह पहन चुका हूँ मैं, लेकिन मेरा भांजा अभी तक लगा हुआ भाई, अभी तक लगा हुआ यार। देखो यार अभी किया नहीं है तो इसी तरह होगा। अच्छा पहली बार है, चलो होता है यार। फर्स्ट मैं भी जब कर रहा था अपना कमीज सलवार इस्त्री, तो यकीन मानो इतना देर किया तकरीबन आधा घंटा लगा दिया मैंने उस पर, लेकिन इसने फिर भी 15-20 मिनट पे कर दिए। तो बस अभी पहिया हम लोग जा रहे हैं, बस अभी काफी रास्ता अपने तय कर लिए, तो अभी और आगे मजीद चल रहे। तो चमन भी साथ जा रहा है, तो काफी टाइम से चल रहे, अभी देखते है भाई और कितना पहुँचते है भाई आगे। ओए बाकी चलो यार, बाकी भी आ गया यार। किधर भाई? बस यार डैम या चक्कर पहाड़ पे चल रहा है। नहीं यार मैं चल झूठा से घुटना खराब है, चल आ जा यार। यार टाइम पास नहीं होता, मैंने बोला जाओ एक चक्कर मार के, फोन कर के आ जाता यार, हम लोग भी आ जाते साथ ही चलते थे। दरअसल बाजार क्या होगा ना, वो एक बाइक बेचने के दोस्त। चल सही है फिर, चल यार मिलते फिर आगे डैम पे। कैसा बंदा भाई, पहचान भी नहीं जाता है भाई। पहिया हम लोग पहिया जा रहे हैं, शायद देखा होगा, बस ऐसी अनजान बन गई जो नहीं है, बस बाइक लेके निकल रहा था। बाकिर भाई सलाम है भाई, क्या बोले उसको, ऐसे ही था चमन? बिल्कुल। क्या कर, कैसा जा रहा था वो? ऐसे गया जैसे कि हम लोग को कभी रिश्तेदार थे ही नहीं। तो अभी काफी टाइम से यार चल रहे पैदल, यार पैदल चलते हुए तकरीबन जो नहीं है 40 मिनट हो चुके हम लोग को, अभी और मजीद जो नहीं 2 घंटा चलना है, वो भी रोजे की हालत में। तो मजीद काफी दूर से आ रहे, अभी नजर भी नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कहाँ से आ रहे हम लोग। मुझे पहाड़ है सामने टंकी वाला। तो मेरे मांझी ने आपको बताया कि वो टंकी वाले पहाड़ से हम लोग पैदल चलते हुए आए। इतने में तो आप लोगों को काफी करीब लग रहा होगा, लेकिन करीब है नहीं भाई, काफी दूर है। अभी हम लोग जा रहे उस पहाड़ के पास, तो उस पहाड़ के पास जा रहे, थोड़ा फोटोशूट भी कर रहे हैं वहाँ पर जाके, थोड़े पिक्चर्स वगैरह ले। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा भाई इस टाइम, क्योंकि जो नहीं बारिश हुए ना, बारिश की वजह से जो नहीं पूरा सब्जा सब्जा हो गया इस टाइम पे। तो भाई धूप भी है लेकिन धूप लग नहीं रहा भाई, इतना अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम। तो बस अभी हम लोग पहिया चल रहे भाई, चलते ही जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहाड़ के पास पहुँचने वाले। तो भाई ये जंगली गधे आप लोगों को नजर आ रहेंगे भाई यहाँ पर, तो ये गधे वगैरह भी है जंगली, यहाँ पर घास मांस वगैरह खा रहे हैं। 3 दाने गधे उधर है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ घूम के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग जा रहे हैं फायरिंग रेंज की तरफ। तो भाई अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो थोड़ी ऊंचाई में तो आ चुके, मजीद अभी और ऊपर जाना है। तो भांजा मेरा भाई काफी तेज से जा रहा है, बस वीडियो के चक्कर में मैं थोड़ा पीछे रह गया इससे।
काफी दूर से भी हम लोग पैदल चल रहे हैं यार। तकरीबन हम लोग पैदल चलते हुए इस टाइम हो रहा है तकरीबन कितना, 2 घंटे हो गए, तकरीबन 2 घंटे हम लोग हो रहे हैं इस टाइम पैदल चलते हुए। 4 बजे के हम लोग निकले हुए घर से, अभी इस टाइम हो रहे 6:30, बल्कि 2.5 घंटे हो चुकी हम लोग को। पहले वो पिछले पहाड़ पे गए थे, वो पिछले पहाड़ से अभी हम लोग जा रहे, कौन से पहाड़ की तरफ जा रहे, कोतल पहाड़ की तरफ जा रहे। कोतल के पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे, स्टार्ट कर दिया भाई चढ़ना। तो भाई उस साइड जो नहीं है फायरिंग वगैरह हो रहा है, तो आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा फायरिंग वगैरह का। साइड से तो नहीं जाना क्योंकि भाई उनका निशाना ज़रा से ऊपर नीचे हो गया, हम लोगों को लग जाएगा भाई, इसलिए एहतियात से इलाज बेहतर है। तो हम लोगों ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, अभी इतना ऊपर हम लोग चढ़ रहे थे तो वापस हम लोग अभी थोड़ा नीचे जा रहे, तो दूसरे रास्ते से दोबारा ऊपर चढ़ेंगे। मेरा मांझा जो नहीं है सही, थक गया, कह रहे कि भाई मुझे रोज़ा लग गया, बोला गलती की मैंने आपके साथ आगे अब आया तो पछताएगा तो ज़रूर। थोड़ा स्ट्रेट पहाड़ है यार, तो इस रास्ते में मुझे अपना मोबाइल जेब के अंदर रखना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। चल जल्दी आ, ऊपर आ, घर नहीं चल, अभी आ ऊपर लेके आया तो अभी आ तो ऊपर, वो टाइम है अभी, घंटा है पूरा, जबरदस्ती ऊपर ले आया भाई अभी। तो अभी थोड़ा स्ट्रेट पहाड़ है तो मोबाइल यहाँ पर मेरे को अपना जेब के अंदर रखना पड़ेगा। थक गया यार, चढ़ी है ज़्यादा, तो रोज़ा भी है तो उस वजह से जो नहीं बता नहीं पा रहा हूँ। ये लाल पत्थर का मतलब है कि ये इस जगह से जो नहीं रास्ता है ऊपर पहाड़ पे जाने का, ये नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को वीडियो पे लाल पत्थर वगैरह। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने कदर किया हुआ पत्थरों में ताकि लोगों को रास्ते का पता चले। पंजे की वजह से यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ यार, लेकिन क्या करेंगे थक गया तो बस अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं यहाँ पर, इसके बाद मस्जिद थोड़ा ऊपर जाते हैं। तकरीबन अभी आधा घंटा रहता है घर पहुँचने में, तो अभी हम लोग काफ़ी ऊँचाई में है तो आधा पहाड़ हम लोग नीचे उतर चुके हैं, ऊंचाई में हम खड़े हुए हैं। तो अभी 40 मिनट रहता है तकरीबन, तो जाने तो हो रही है अभी, अभी घर पहुंचना है। तो अभी वहीं अपनी बस जो नहीं अभी भागते हुए जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, फिर तेज़ी से भाग रहे हैं नीचे, इसको लगता है रोज़ा लग गया बहुत ज़ोर वाला। तो अभी हम लोग आधा पहाड़ जो है इस टाइम है उतर चुके, तो मस्जिद अभी उतर रहे थोड़ा, चल जल्दी 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 थोड़ा आराम से जा, गिर मिर नहीं जाइयो, ऐसा तेजी तेजी से भाग रहा भाई बंदा, गिर मिर गया तो इसका मत मुझे बोलेगा भाई तू लेके गया था मेरे बेटे को। चल चल थोड़ा रफ्तार पकड़, आने के चक्कर में खुद ही गिर गया यार। चल चल जल्दी जल्दी यार, चल चल जल्दी जल्दी, उसके चक्कर में खुद भी गिर गया। क्या है इधर, क्या यार जगह पे यार, मेरे ख्याल से इधर रूम है। हाँ यार पैंट भी पीछे से गंदी हो गई यार, 10 हो रहा है भाई इस टाइम पे, तो फिर 10 मिनट है, 7:20 पे रोज़ा खुलेगा। तो अभी उन्होंने रफ्तार पकड़ा हुआ है,
लेडीज फर्स्ट थोड़ा देख क्या कश पुराना बूट पहनता हुआ है ऐसा खतरनाक बूट है किस पत्थर पे भी हूँ खड़ा कहाँ से जाना है जल्दी बताओ पता नहीं यहीं से नीचे उतर के ऊपर नहीं जा रहे इधर ही से चलो नीचे ही उतर के यहीं से चल हम लोग पहाड़ तो नीचे उतर चुके हैं और सभी सीधा सीधा रोड है तो तेज़ चलेंगे तो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में बस एक 5-10 मिनट लेट हो ही जाएगा बस लोग के खातिर हम इतने दूर पहाड़ पर आए मैंने जिससे डैम तक बोला था इसने तो मुझे पहाड़ पर खींच लिया इस वीडियो के खातिर मैं 2 बार गिरा भी हूँ और यहाँ हाथ भी चोट लगा है बहुत बुरा तो भाई को सपोर्ट करें भाई नहीं मामू को सपोर्ट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और क्या होता है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो फिर मेरी तरफ से तो खुदा हाफिज़ बहुत शुक्रिया भांजे आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भांजे ने भी इतना कहा है तो यार अभी आप लोग जो नहीं लाजमी मेरे को सपोर्ट करिए और लाइक करे कॉमेंट करे सब्सक्राइब जो नहीं आप लोग लाजमी करे यार आप लोग वीडियो शीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तो लाइक तो आप तो करते नहीं हो यार इस वीडियो में कम से कम मेरा जो नहीं 100 लाइक का टारगेट है तो आप 100 लाइक जो नहीं करवा दो यार बस ज़्यादा नहीं मांग रहा बस 100 लाइक तो यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिए वो भी इससे अच्छी होने वाली है बल्कि नेक्स्ट व्लॉग जो नहीं ईद के ऊपर होने वाला है तो ईद आने वाला है कल नहीं परसों में खशियत ईद है अब कन्फर्म नहीं है कल है या परसों है तो अभी देखते हैं कब हो चलो अभी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तो हम आपसे करते हैं अल्लाह हाफिज़।